प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दर्शकों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि सिंह लगन वाले व्यक्ति आपके जीवन का संपूर्ण परिचय। जी हां दर्शकों, होता क्या है कि लग्न ही सबसे इंसान का बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक वीडियो का टॉपिक यानी मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक का मैंने एक वीडियो का पूरा सीरीज तैयार कर रहा हूं। आप एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यह वीडियो बनाने का बेसिक रीजन यह था कि लग्न का महत्व इतना होता है कि कोई इंसान अगर जन्म ले तो सबसे पहला उसका शुरुआत जो होता है इंसान के लग्न से होता है। और लग्न क्या होता है? कोई भी कुंडली का पहला घर, ये जो घर होता है दर्शकों, ये लग्न होता है। और अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर सिंह राशि के होते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न कुंडली में अगर 5 नंबर लिखा हो तो इसे सिंह लग्न बोलते हैं। यानी अगर आपका यहां पे 6 लिखा हो तो कन्या होता है, 7 लिखा हो तो तुला होता है। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, यानी मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक जो है इंसान धरती पे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेगा तो सबसे पहला उसका शुरुआत उसके मस्तिष्क यानी उसके ब्रेन से किया जाता है। यानी कोई बच्चा अगर जन्म लेता है सेंसलेस है, उसका मस्तिष्क का निर्माण पूर्णता नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि पूर्णता काम नहीं करती है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों का कुंडली देखने से क्या फायदा? क्योंकि उस प्रकार के लोगों को तो सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसका देखभाल कौन करेगा, इससे ज्यादा क्या। यानी ज्योतिष शास्त्र इस चीज को मानता है कि जिस इंसान के पास बुद्धि प्रबल होती है वही लाइफ में सफल होता है। और कोई भी इंसान अगर किसी के पास अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए आता है तो ज्योतिष का कर्तव्य होता है कि सबसे पहला सामने वाला जो है उसको पहचाने कि वो आखिर है क्या। अगर उसको नहीं पहचान पाएंगे लोग तो फिर उसकी जिंदगी का पूर्णता प्रकाष्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई ज्योतिष ये नहीं समझ पाता है कि सामने वाले का मस्तिष्क का निर्माण किस ओर जा रहा है तो फिर कुंडली देखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये वीडियो बनाने का बेसिक टॉपिक ये था कि मैं चाहता हूं कि सिंह लग्न वाले आप ये चीज को समझ ले कि आपका जन्म अगर सिंह लग्न में हुआ है आपका स्वभाव कैसा होता है, आपका स्वास्थ्य कैसा होता है, आपके दाम्पत्य जीवन कैसे होते हैं, किस कर्म क्षेत्र में जाना आपको सफल होता है और सिंह लग्न में जो है कौन से ग्रह आपके सपोर्टिव होते हैं, कौन से ग्रह आपके नेगेटिव होते हैं, ये सभी चीजों का बात जो है मैं बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप उपाय क्या करें और किस प्रकार की महादशा में यानी किस प्रकार का ग्रहों की महादशा में आपको जीवन में शुभ फल प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहला मैं बात करता हूं सिंह लग्न वाले व्यक्ति आप होते कैसे हैं। आप स्वभाव से दयालु भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, नीति के अनुसार आचरण अगर आप करते हैं, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट से बात करता है, सम्मान के साथ बात करता है तो आप उनसे रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ बात करेंगे। क्योंकि आप थोड़े गर्म मिजाजी भी होते हैं महत्वाकांक्षी के साथ, तो अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपशब्द बोलता है, आप क्रोधित होकर के जो है उसे उसी प्रकार का रिप्लाई कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को आपकी बातें बुरी लग जाया करती है। आत्मविश्वासी भी होते हैं, अभिमानी बहुत होते हैं,
आप वही चीज पे अभिमान करते हैं जो आप खुद से मेहनत करके अचीव करते हैं। जो आपके पास नहीं है उसके प्रति आप कभी अभिमान नहीं करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी शीघ्र क्रोधित जो आप हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा क्रोधित होना ठीक नहीं है, तो आप बहुत ही चतुराई से अपने आप को और सामने वाले को संभाले भी लेते हैं, लेकिन उस समय तक जो है बहुत सारे लोग आपके बातों का बुरा मान जाते हैं, क्योंकि सूर्य का ही चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। यही कारण है कि आप जो है अत्यधिक जो है स्वावलंबी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, आप धर्म प्रेमी होते हैं, आप जिस धर्म में होते हैं उस धर्म के प्रेमी होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, परंतु बहुत बड़े आस्तिक नहीं होते हैं कि आपको दिन भर पूजा करना है। और मैं ये नहीं बोलता कि आप नास्तिक भी हैं, लेकिन जब आपको मुसीबत पड़ती है या दुख में होते हैं उस समय तो आप निश्चित तौर पर ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जिस समय आपका सब कुछ अच्छा चलता है उस समय जो है आप अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, यानी आपका मन कहता है कर्म पहले इसके बाद भाग्य। चलिए मैं बात करता हूं कि आपका स्वास्थ्य कैसा होता है। कमर दर्द, पेट की समस्याएं, नेत्र रोग, सिर में दर्द होना, हार्ट बीट थोड़ा सा हमेशा कभी कभी स्लो हो जाना, कभी कभी फास्ट हो जाना, यानी पेन होना, मस्तिष्क सिर, इसके बाद ज्वार तरह की बीमारी, यानी ज्वार बोलते हैं, कभी कभी नसों में पेन होना ज्यादा सोचने के कारण, गर्मियों में आपको थोड़ा चक्कर आने की शिकायत होती है, जब भी आप ज्यादा पानी पीते हैं या पानी पीते हैं तो आपके मस्तिष्क में बहुत डिफरेंट टाइप का हलचल, यानी कह सकता हूं कि अकबकी फील होता है, फिर भी आप पानी ज्यादा पिया करें। इसका बेसिक रीजन ये होता है कि आप अग्नि का गोला है और जब अग्नि में कोई पानी डालता है तो निश्चित तौर पर वाष्प के रूप में वो उड़ता है, तो यही कारण है कि आपको पानी पीने के बाद थोड़ा चक्कर महसूस होता है। पेट की समस्याएं में दो तीन बीमारियां हैं, जैसे कि लीवर आपका कमजोर होता है और आप खाने पीने के शौकीन होते हैं, यही कारण है कि थोड़े पेट की समस्याएं होती है। हमेशा आपको कुछ ना तो कुछ छोटे मोटे चीजों से चोट लगता ही रहेगा, हमेशा, कभी आपकी उंगलियां कट जाएंगी, कभी पैर में चोट लग जाएंगे, कभी सिर में दर्द हो जाएगा, कभी सिर में चोट लग जाएगा, मतलब किसी न किसी कारण से आपको चोट लगता ही रहता है। और सबसे बड़ी इत्तफाक की बात यह है कि आप थोड़े क्या होते हैं कि केयरलेस जो होते हैं, यह भी एक चोट लगने का बेसिक कारण होता है। अब मैं बात करता हूं कि आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या होती है। होता क्या है कि विवाह तो आपका निश्चित तौर पर लेट से होता है, क्योंकि शादी होने में लेट होते हैं, क्योंकि आप ग्रहों के राजा हैं, तो आप च्वाइस ही नहीं कर पाते हैं कि मैं विवाह करूं या ना करूं, या करूं तो अपने अनुसार ही लोगों से करूं, लेकिन इतने भाग से आपका विवाह जो है बहुत मन चाह लोगों से नहीं हो पाता है। इसीलिए आप परिवार में विश्वास रखते हैं, मिलजुल करके तो रहते हैं, फिर भी थोड़ा दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। इसका बेसिक रीजन यह होता है कि आप परिवार में शांति बनाए रखते हैं, लेकिन आपको अपने घर वालों से ज्यादा प्रेम बाहर वाले करते हैं। अगर पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष के द्वारा ज्यादा प्रेम मिलता है, जिस कारण से कहीं ना तो कहीं थोड़ा दाम्पत्य जीवन निश्चित तौर पर खराब होता है। भाई बंधु होने के बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, और रहीसी जीवन जीने के कारण आप थोड़ा ज्यादा धन का जो व्यय कर देते हैं, ये विवाह के बाद जो है आपको कहीं ना तो कहीं आर्थिक तंगी की स्थिति भी ला करके खड़ा कर देता है। अब मैं बात करता हूं कि वाकई में करियर क्षेत्र में आपको किस किस प्रकार के क्षेत्र में जाने पे आपको जो है अत्यधिक जो है लाभ होता है, क्योंकि आप स्वतंत्र प्रिय हैं, तो ऐसे तो आपकी कुंडली में प्रकाशक, प्रबंधक, फाइनेंस, मेडिकल, अधिकारी, अच्छे खिलाड़ी, सांसद, विधायक, लॉयर, इन सभी क्षेत्रों में आप सफल होते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, इसीलिए जो है कहीं ना तो कहीं आपको जो है कवि सम्मेलन वगैरह में भाग लेना या छोटे मोटे चीजों में स्पीच देकर के पैसे कमाने में अत्यधिक आनंद आता है। लेकिन आप जॉब करें किसी भी प्रकार का, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन हमेशा मन आपका व्यापार में लगा रहता है, क्योंकि आपको दब के रहना पसंद नहीं होता है।
इसीलिए अपने जीवन में आप नौकरी करते करते जो है व्यापार के क्षेत्र में अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन उधर ही हमेशा रहता है। सिंह लग्न वाले, अभी तक जो मैंने आपको बात किया वो सिर्फ मैंने बात किया आपके जीवन में आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, करियर क्षेत्र के बारे में मैंने बात किया है। अब मैं बात करता हूं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि हर सिंह लग्न वाले व्यक्ति आप इस चीज को देखें। अगर आप इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो कम से कम मैं इस चीजों की गारंटी देता हूं कि आधा अपने जीवन के बारे में तो आप समझ ही जाएंगे और लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगा ताकि आप उस उपाय को करके जो है कम से कम अपने जीवन को समझें, और यह भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह में आपको शुभ और कौन सा ग्रह में अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। चलिए, होता क्या है कि आपका सिंह लग्न होता है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य ग्रहों का राजा होते हैं, और आपके कुंडली में बुद्धि यानी पंचम हाउस और भाग्य यानी नवम हाउस का मालिक जो होता है, पंचम हाउस का बृहस्पति और नवम हाउस का मालिक जो होता है ये मंगल होता है। यानी सूर्य परम मित्र बृहस्पति और उसके परम मित्र जो है मंगल हो जाते हैं। यानी आपको जीवन में हमेशा जो है मानिक पुखराज और मुंगा धारण करके रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा क्रोध आता है, थोड़ी स्थिति असामान्य होती है, तो आप कुछ समय के लिए मानिक खोल दिया करें और कुछ समय के लिए जो है मानिक रत्न धारण कर लिया करें। इसके अलावा अगर आपको करियर में बाधाएं होती हैं, थोड़ी परेशानी होती है, तो आप जो है सफेद जरकन धारण कर सकते हैं, नौकरी में सफलता के बाद आप खोल दीजिएगा। लग्नेश क्योंकि सूर्य है और आपकी कुंडली में जो है मैंने बताया है कि पंचमेश और नवमेश यानी मंगल और बृहस्पति शुभ कारक ग्रह होते हैं आपके लिए। इसके बाद फिर जो है दुख स्थान के स्वामी शनि, गुरु और चंद्रमा होते हैं। अब यहां पे बहुत ही सोचने वाली बात है। अभी मैंने बोला कि बृहस्पति शुभ है, फिर तुरंत मैं बोलता हूं एक झटके में कि बृहस्पति खराब है, तो शनि आपकी कुंडली में जो है मार्केश है, यह आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, विश्वास की कमी थोड़ा लाता है, फिर भी आप परिवार में प्रेम आप बनाए रखते हैं तो आपका समंजस से थोड़ा बना रहता है, लेकिन मन कभी स्थिर नहीं रहता है। इसके बाद फिर जो है चंद्रमा क्योंकि आपकी कुंडली में जो है वह स्थान का मालिक होता है, इसलिए अपने सानो शौकत के चक्कर में आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। यानी जब भी चंद्रमा का महादशा आए खर्च पे कंट्रोल करना चालू कर दीजिए। अब बृहस्पति की बात मैं कहता हूं, तो बृहस्पति के दशा में आपको सम्मान मिलेगा, धन दौलत उन्नति सफलता सभी चीज मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति के महादशा में आपको क्रोध और ज्ञान भी आ जाए, क्योंकि आप तो सूर्य है और सूर्य का अर्थ होता है लायन यानी शेर, इसके कारक है क्योंकि आपका लोगो तो शेर है। शेर का काम क्या होता है, पेट भर गया कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ, फिर भूख लगेगा उछलना चालू करो, यही तो आपके जीवन का कमी है। कोई बड़ा काम हो जाता है, कहीं से ज्यादा इनकम हो जाता है या सैलरी मिल जाता है, तब शांत से बैठ जाते करूंगा ना मेहनत, यही चक्कर आपके जीवन बर्बादी का कारण होता है। यही कारण है कि बृहस्पति के दशा में आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपका जो है बुद्धि काम करना कम कर देता है और आप कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं यानी घमंड आ जाता है। अब मैं बात करता हूं कि सफल योग यानी आप सिंह लग्न की कुंडली में कहीं पे भी अगर सूर्य और मंगल साथ में बैठे तो अत्यधिक शुभ होता है, सूर्य और बृहस्पति साथ में बैठे यह भी एक राजयोग होता है, मंगल और गुरु साथ में बैठता है तो यह भी एक प्रबल राजयोग होता है, मंगल और शुक्र जब साथ में बैठता है तो यह भी प्रबल राजयोग होता है। लेकिन मंगल और शुक्र के दशा में आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी, लेकिन शारीरिक संबंध जो है हो सकता है कि पति पत्नी के अलावा भी आपके एक दो नजायज संबंध स्थापित हो जाए, यानी कह सकता हूं कि सेक्स के तरफ जो है आपका रुझान ज्यादा होता है और ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा परेशानी का कारण बनता है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद फिर अकेला मंगल कहीं भी होता है तो यह शुभ फल देता है, ये बात को याद रखिएगा। परंतु अगर मंगल आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठ जाता है या मंगल आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठ जाता है तो आप इतना याद रखिएगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड भयंकर रोग हो जाता है, यानी हार्ट की समस्या हो जाती है, हार्ट अटैक की तक होने की संभावना होती है और आपके माता को जो है माता का स्वास्थ्य खराब या कैंसर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। राजयोग कारक मंगल बृहस्पति के दशा में आपको राजयोग की प्राप्ति होती है, धन दौलत सुख समृद्धि उन्नति सभी प्रकारों की सुविधाएं प्राप्त होती है और काफी आप सफल होते हैं।
इसके अलावा पाप फल, गुरु शनि और शुक्र, ये तीनों ग्रह मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जब भी चलेगा तो पाप फल देगा। जब शुक्र चलेगा तो लाइफ में आगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन पाप का मतलब ये नहीं था कि आप किसी के जाकर के नजायज संबंध बना रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे, नहीं। पाप सिर्फ ये नहीं होता, पाप का मतलब होता है कि किसी भी कर्म क्षेत्र से थोड़ा भी विमुख हो जाना। तो जब शुक्र की दशा आपके जीवन में चलेगी तो आप अत्यधिक धन का व्यय करने लगेंगे, इससे भी आप बहुत शौकीन होते हैं। जब शनि की दशा चलेगी तो यह मार्केट से दिए मैरिड लाइफ को खराब करेगा, शत्रु व्यर्थ के शत्रु उत्पन्न कर लेंगे। और बृहस्पति की दशा में क्या होगा कि आपको थोड़ा अहम बढ़ जाएगा, जबकि बृहस्पति पेशेंस का कारक होता है, फिर भी आपको पोखराज धारण करके रखना चाहिए। इसके बाद फिर अब मैं बात करता हूं एक दो चीज और कि लग्न में अगर सूर्य और बुध और मंगल और ये तीनों साथ में बैठता है तो आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है और जीवन में आप सफल भी होते हैं। सूर्य और बुध और गुरु कहीं भी एक साथ बैठ जाता है जबरदस्त भयंकर राजयोग देता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूं सिंह लग्न वाले व्यक्ति, जो आपको कोई नहीं बताएगा, इस लग्न में शुक्र का कहीं भी बलवान होना शुभ नहीं होता है। सिंह लग्न में जब भी शुक्र की महादशा चलती है तो राज्य सेवा का पतन होता है, धन का पतन होता है, समाज में बदनामी होती है। इसीलिए सिंह लग्न वाले व्यक्ति, जब भी आपके जीवन में शुक्र की महादशा चले तो आप शांत रहा कीजिए। आपका लग्न जो होता है यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लग्न होता है, और थर्ड हाउस का जो होता है शुक्र भी आपके कुंडली में, वो पिता से मतभेद करा के रखता है। ऐसे भी आपको जो है पिता से मतभेद रहेगा और माता से प्यार अत्यधिक रहेगा, वाइफ से द्वेष तो नहीं रहेगा लेकिन पूर्णता प्यार भी अपने दाम्पत्य जीवन में पति हो या पत्नी नहीं कर पाते हैं। रविवार का व्रत जितना आप करेंगे, रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग करें, आप जीवन में सफल होंगे। आपका शुभ अंक एक होता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है कि 8 नंबर भी आपके लिए बहुत शुभ है। 8 नंबर को ही आप अपना ज्यादा बेसिक तौर मान करके चले। 1 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख आपके लिए अत्यधिक शुभ होता है। इसके अलावा मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मेष लग्न, धनु लग्न, आप खुद ब खुद सिंह लग्न वाले लोगों से आपका तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। वृष लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये व्यक्ति जब भी आपके जीवन में आएंगे बहुत बड़ा धन की हानि दे करके जाएंगे। 22वां, 24वां, 26वां, 28वां, 32वां, 37वां, 46वां वर्ष आपके लिए लाजवाब होता है। इसके अलावा शुभ रंग आपका लाल और पीला होता है। रत्न मैंने बता दिया है, मानिक, पुखराज, मूंगा। जीवन में और सफल अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं तो शंका से बचे, अहम और क्रोध से बचे, दूसरों पे विश्वास करने का प्रयास करें लेकिन तुरंत विश्वास भी ना करें, कम बोलने का प्रयास करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका शाकाहारी और संतुलित भोजन लेने का प्रयास करें, शांत शौकत के चक्कर में ना रहें। कुछ भी बोलने से पहले सोच ले, माइंड में कैलकुलेशन कर ले, इसके बाद बोले। सिंह लगन वाले व्यक्ति, आज मैंने आपके जीवन में प्रत्येक चीजों को स्पष्ट तौर पे बताया, जिसमें मैंने हर चीजों को बताया। जाते जाते मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपके जीवन में बर्बादी का मुख्यतः कारण दाम्पत्य जीवन होता है और दूसरा जो होता है अत्यधिक धन खर्च होता है। पिता से द्वेष हो जाता है आपको, क्योंकि लड़का हो या लड़की परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कम उम्र से ही निभाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप कर्म करना छोड़ दें। ऐसे भी मैं एक बहुत ही कड़वी बात आपको बताने वाला हूं, किसी भी ज्योतिष के दुकान में भाग्य नहीं बिकता, किसी भी ज्योतिष के दुकान में भाग्य नहीं बिकता, आपका कर्म क्या कहता यह जरूर बिकता है। यानी कर्म से बड़ा बलवान कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी यह होता है कि आपको अच्छा जानकारी दो और कर्म किस ओर आपको ले जाएगा जिसमें आप सफल हो, यह कर्तव्य होता है आपको बताने का।
सबसे बड़ी आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही ज्यादा मेरी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ वीडियो में मेरा 75K से लेकर के 100K तक आप लोगों के प्यार के कारण व्यूअर हो चुका है। अच्छी लगती है जानकारी आपको देने में और उम्मीद करता हूं कि आज की भी वीडियो जो मैंने बनाया है आपको बहुत ही पसंद आएगा। लंबी जरूर है परंतु वो काम जिसमें आपका जीवन सफल हो इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। 3 घंटा आप थिएटर में मूवी देखने में पार कर सकते हैं, यानी दूसरों का किया हुआ कर्म को देखने में समय पार कर सकते हैं, तो कम से कम आधा घंटा अपने जीवन में खुद के कर्म को देखने के लिए तो आप जरूर लगा सकते हैं। चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जीवन में मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वह हस्तरेखा हो, कुंडली हो, वास्तु हो, या वास्तु के अनुसार घर का नक्शा बनवाना हो, मैं आपको हमेशा सही जानकारी दूंगा। रांची और दिल्ली दोनों जगह हमारा ऑफिस है। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से मिल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता हमारा फेसबुक पेज है। मैं चाहूंगा आप आए, लाइक करें, एक्टिविटी शेयर करें, ताकि आपकी जीवन की हर समस्याओं को मैं बताता रहूं। आज लेता हूं आपसे इजाजत, बहुत जल्द आऊंगा आपके पास और ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के। तब तक मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं जीवन में आप सफल रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और कोई भी बाधा आपको ना रोके। दीजिए मुझे इजाजत दर्शकों, नमस्कार।